नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच आईपीएल सीजन 14 को बीच में ही स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद बीसीसीआई अब बचे हुए मैचों का आयोजन यूएई में कराने जा रही है। आपको बता दें, आईपीएल सीजन 14 के बाकी बचे मैचों का आयोजन यूएई में सितंबर अक्टूबर के महीने में किया जाएगा, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों के भाग लेने पर सस्पेंस। दरअसल इंटरनेशनल शेड्यूल की वजह से कई विदेशी खिलाड़ी शायद आईपीएल सीजन 14 के बाकी बचे मैचों में हिस्सा ना लें। वहीं इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि अगर विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के बाकी बचे मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनकी सैलरी में कटौती किया जा सकता है। इनसाइट स्पोर्ट्स की खबर के मुताबिक बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगर विदेशी खिलाड़ी यूएई नहीं गए तो फिर उनकी सैलरी कट हो जाएगी, और खिलाड़ियों की सैलरी कट हो गई तो उन्हें शायद आधे पैसे मिले। यानी एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे केकेआर ने आईपीएल 2021 के लिए पैट कमिंस को 15 करोड़ 50 लाख में खरीदा था, तो अगर वो आईपीएल के बचे हुए मैचों में उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें मात्र 7 करोड़ 75 लाख ही मिलेंगे। यानी अगर कोई खिलाड़ी जिसको 1 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया गया तो वो अगर बचे हुए मैचों में हिस्सा नहीं लेता है तो उसे मात्र 50 लाख ही बतौर आईपीएल फीस मिलेगी। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, हाँ ये बात सही है, अगर कोई विदेशी प्लेयर यूएई में आईपीएल के लिए नहीं आता है तो फिर फ्रेंचाइजी को हक होगा कि वो प्लेयर्स की सैलरी कट कर सके और उन्हें केवल प्रो राटा बेसिस पर ही पे करें। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आईपीएल 2021 को बीच में स्थगित करना पड़ा। इसके बाद बचे हुए मैचों का आयोजन अब सितंबर में यूएई में कराने का फैसला किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।